अंतराली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फहीम अंसारी। आज पूरे देश में, पूरे मुल्क में, हमारे रियासत महाराष्ट्र में भी कोरोना की महामारी बड़ी तेजी से फैली हुई है और हुकूमत ने इसके लिए मुनासिब इकदाम भी किए हैं और कई जगह कई सेंटरों में कोविड सेंटर शुरू किया है, मगर मरीजों की तादाद को देखते हुए वहाँ जगह जो है वो नाकाफी हो रही है। तो हालात में लोग बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे हालात में क्या हमारी मस्जिदों और मदारिस में कोविड सेंटर शुरू किया जा सकता है? इस सिलसिले में आज हमारे साथ रियासत उलमा हिंद रियासत महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी मुफ्ती सैयद हुज़ैफ़ा कासमी साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि शरीयत के नजरिए से उनका क्या कहना है। देखिए, मैं आपके न्यूज के तवस्सुस से अपने सारे ही भाइयों से और हुकूमत के जिम्मेदारों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी मस्जिदें जो हैं, कुछ तो बहुत छोटी हैं, उनके अंदर दीगर कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन जो मस्जिदें बड़ी हैं, आरसीसी हैं, मस्जिदों में बरामदे हैं, बच्चों की तालीम भी हो रही है, कई हिस्से हैं, बहुत सी मस्जिदों में बेसमेंट हैं, बहुत सी मस्जिदों में माले हैं, बहुत सी में बरामदे हैं, दो दरवाजे हैं, वगैरह वगैरह, अगर इस कंडीशन के मस्जिदें हैं तो इस कोरोना की महामारी में, जबकि सरकारी इंतजाम तकरीबन नाकाफी हो गए हैं और सरकार आवाम के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकती, कितना भी आप इंतजाम कर लीजिए, दसियों हज़ार मरीज हैं, हज़ार आदमी का इंतजाम है, क्या कर सकते हैं। हम एक तरफ दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह से, लेकिन इस बीमारी से निपटने के लिए अगर मस्जिद के जिम्मेदारान अपनी मस्जिदों के उन हिस्सों को जहाँ पर नमाज नहीं हो रही, जहाँ नमाज होती है उसको अलग रखिए आप, और आजकल जमात छोटी वैसी भी हो रही है, बरामदे हैं, माला है, बेसमेंट है, अगला हिस्सा है, मस्जिद से लगकर मदरसा चल रहा है हमारा, इस कंडीशन में अगर मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाया जाए तो उसमें कोई कबाड़ नहीं। और मैं आपको बतला दूं, गए साल जब यही कंडीशन बनी थी तो आजम कैंपस पूरा की मस्जिद में कोविड सेंटर बना दिया गया, योनी के अंदर मक्का मस्जिद, बैतुस्सलाम मस्जिद, हिंदुस्तानी मस्जिद, मस्जिद अक्सा और बहुत सी मस्जिदें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से अक्सर जगह मैंने ही जाकर ओपनिंग की और दुआ कराई, मुबारकबाद दी, पैगाम चला, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट थाने के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने मस्जिदों का इस अंदाज से इस्तेमाल किया, उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ मस्जिद का एहतराम मलहूज रहे, साफ सफाई मलहूज रहे, इन तमाम बातों की रियायत हो, लेकिन मस्जिद का हाल, बरामदा, बेसमेंट या माला वगैरह जो नमाज से जायद फाजिल है, पंच वक्त नमाज में इस्तेमाल में नहीं आता, उसका इस्तेमाल इस काम के लिए हो सकता है और करना चाहिए। शरई एतबार से इसकी इजाजत है। अब उसका अगला मरहला आता है कि हुकूमत जो गाइडलाइन दे रही है तो सिस्टम बतलाया जा रहा है। मैं आवाम से अपील करूंगा, उस गाइडलाइन का लिहाज करें, ऑर्डर का पालन करें और एहतियात बरतें। आज ही मेरे एक साहब से बात हो रही थी, दो चीजें अलग अलग, एक है वक्त आया हम मर गए, हम खुदा के फैसले पर राजी हैं, लेकिन एक है गड्ढे में खुद ब खुद कूद जाना। इस्लाम ने अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया, वला तुर्कु बिअज़ीम तहलुका, जानबूझ के हलाकत के अंदर मत कूदो। तो एहतियात शरई हुक्म भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं, हमको एहतियात बरतना चाहिए, और जब किसी को बीमारी का एहसास हो तो आगे बढ़कर उसका जो बुनियादी इलाज है वो करना चाहिए। उसके बाद खुदा ना खास्ता बीमारी बढ़ी और किसी का इंतकाल हो गया तो हमारा अकीदा है कि हमारा सब कुछ यहाँ नहीं है, ऊपर जाएंगे अल्लाह के, हमको बहुत कुछ मिलेगा, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे, लेकिन दुनियावी निज़ाम में हम सपोर्ट करें, हुकूमत को भी, कारपोरेशन को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, खिदमतगारों को भी, इसका भी हमको शरीयत ने हुक्म दिया है।